ये डिफेक्टिव मीटर का ज्ञान मुझे मत दीजिए आप। जिनके घर में कनेक्शन नहीं है, डीपी मीटर उतार के दफ्तर में रखा हुआ, उनका भी बिल आया हुआ। कैसे? मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। जिनको आपने 3-3 लाख का बिल भेजा है, उनके साथ आप 1-1.5 लाख में सेटलमेंट होगा? नहीं होगा। जनता में रहते हैं कि एक चीज का पता है। वैसे मत समझना ऊपर से टेक्निकल बोल बोल के बेवकूफ बना लेंगे, जैसे जनता को बना देते हो। नहीं सर, ये सारे कंप्लेंट का संज्ञान हमें है और हमने इसमें सुधार भी किया। क्या सुधार किया है? तो फिर ऐसे केसेस फ्रीक्वेंट क्यों है? क्या है ये? ये गर्मियों के बिल देखे आपने, अप्रैल के? ये देखे आपने? देखिए, अप्रैल में कहां खेती होती है बताइए। जिस किसान का पीक जनवरी फरवरी होता है, जब वो गेहूं को पानी पिलाता है, उस वक्त से ज्यादा का बिल अप्रैल मई में क्यों है? कितने केसेस दिखाऊं सर मैं आपको? सीजन में 2000 आ रहा है बिल, आज 8000 है। गलतियां 2-4 होती हैं, 200-400 नहीं होती हैं। इसलिए हमने किसान के मीटर लगाए हैं सर। अरे जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं झूठ है वो? नहीं सर, हम आपको झुटला नहीं रहे। अरे झुटलाओगे कैसे यार, मेरे पास सारे रिकॉर्ड पड़े हैं यहाँ पे। हम कोशिश कर रहे हैं सर। कोशिश मत करिए, रिजल्ट दीजिए। ये सारे बिल सेटल होने चाहिए नेक्स्ट वीक तक, पूरा सिस्टम दुरुस्त चाहिए। डिसमिस, थैंक यू। क्या हो गया इनको? ये तो गांव इंसान थे। जब से दिल्ली से आए मूड खराब है, ऐसे ही सबकी क्लास लगा रहे हैं। लगता है दिल्ली में इनकी क्लास लगी होगी, हमारी लगाने पे तुले। ओह शिट, एक सेकंड। सर आपकी मीटिंग है हरियाणा से, जो एएलसी साहब आया उनके साथ। 6 बजे बोलो, अभी भरतपुर दौरे पे चलते हैं। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। अरे मिश्रा जी, पर ये बन जानी चाहिए थी ना अब तक सड़क, नहीं बन जानी चाहिए थी? आपको पता है ना 15 अगस्त से पहले आसपास के सारे गांव पक्की सड़क से जोड़ने हैं, पता है? नहीं पता आपको? जी सर। आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाइए यार। सर हम और मैन पावर लगा रहे हैं और इसको टाइम से पहले कंप्लीट करके देंगे सर। हेलो, हाँ कैसा है वो? सैड है, बात ही नहीं कर रहे। तू आना यार, थोड़ा चेयरअप करते हैं उसे। चलो तो चाचा क्या है ना। हाँ सुन, तू ठीक है ना? तो ठीक ही होगा, तेरा तो निकल गया है। चला आ जा। हाँ पहुँच रहा हूँ। चाचा चाय बना दो सबके लिए, रिजल्ट है वाली। ओए छड़ो यार, ओ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और तुमने बेस्ट दिया ना अपना, बस वही इंपॉर्टेंट। ओ हर साल कितने लोग का यूपीसी क्रैक नहीं होता है यार, तो क्या हो गया? ओ कुछ ना कुछ तो बन ही जाते हैं। हाँ, कोई एंटरप्रेनर बन जाता है, कोई सोशल वर्क कर लेता है, कोई जर्नलिस्ट बन जाता है, कोई हम भी कर लेंगे कुछ। सुनना यार गोरी, क्या बकवास कर रहा है यार? सब तेरे लिए कहना आसान है। अरे यार मेरे लिए क्यों आसान है यार? और मेरा भी तो नहीं हुआ ना यार। हाँ, ओ इसका नहीं निकला, उसका नहीं निकला, उसका नहीं निकला, लास्ट अटेम्प्ट था उसका। तो ठीक है ना भाई? ठीक है वो। ओ ये लोग फाइटर हैं यार, फाइटर हैं हम। वो ऐसे थोड़ी हार मान लेंगे यार, जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है। ओ याद रखना, जिंदगी में हारा वही है जो लड़ा नहीं, है कि नहीं? और मैं तो जा रहा हूँ पिंड यार, वहां पे खेती करूंगा। तेरा क्या भाई, सीमेंट का बिजनेस है डैड का? ओए जा संभाल, यहाँ क्या बैठा है? उम्र हो रही है उनकी, नहीं तो सारी जायदाद जो है वो छोटे भाई नहीं मिल जाती। और अभिलाष तू, इसकी तो नौकरी नहीं है, इसे नौकरी छोड़ दी। ओ कोई नहीं, तू ना मेरे साथ पिंड चल, अपन दोनों भाई मिलके खेती करेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, हाँ हरित क्रांति लाएंगे और स्वामीनाथन बनेंगे यार, है कि नहीं? और जय जवान जय किसान, 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 और जय जवान जय किसान, और जय जवान जय किसान, और जय जवान जय किसान। तू क्या ओवर स्मार्ट बन रहा है? कहाँ जा रहा है तू, बताना सबको। तेरे 2 अटेम्प्ट और है अभी, बताना सबको। झूठ क्या बोल रहा है तू? ये क्यों कर रहा है तू? नाटक क्या कर रहा है यार?
नाटक क्या यार, चीयर अप ये चीयर अप है, चीयर अप कर रहा है तू, मजाक उड़ा रहा है तू, खेती करूंगा मैं, तू खुद करेगा साले खेती, साले कोटा का एहसान मान के तेरे को चांस मिल रहा है, वरना तू डिजर्व भी नहीं करता, सुना, तू डिजर्व नहीं करता, सुना ये और पास में बोलूं, बहरे Congratulations for prelims. अरे thank you. ए ये अभिलाष और गुरी थे ना यहाँ पर? थे, चले गए. और actually दोनों के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई. Hey, you know गुरी is partially deaf. वो अपना कोटा छुपाता है. You knew that? अच्छा, तो इसलिए वो झुक के खड़ा रहता था. हाँ यार, मैंने भी नोट किया ये तो. चल. Bye bye. We'll see you, हाँ. चल bye bye. जानता था ना कितना पर्सनल है मेरे लिए. मुझे कोई बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से. सिर्फ तुझे एसके को पता था यार, इतने साल चुप रहा तो और रह लेता ना. अरे मैं तेरे बचपन का ट्रॉमा सुनने के मूड में नहीं हूँ गोरी, तू जा यहाँ से. अरे फेल हुआ तो एक्सेप्ट करना यार, गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहा है? तो कौन सा तेरे बैंक का पासवर्ड बता दिया यार, जो सच है वही बोल रहा है ना. अरे मुझे नहीं चाहिए सिंपैथी किसी की. मुझे भी नहीं चाहिए तेरी भीख, तेरे खेतों में जाके मजदूरी करूं मैं. अरे मजाक कर रहा था मैं. मेरा करियर खत्म हो गया तेरे लिए, मजाक है. अरे क्या खत्म हो गया, लाइफ थोड़ी खत्म हो गई. यूपीएससी के लिए कोई करियर नहीं है क्या? बात देना और अटेंड क्यों दे रहा है? चल तेरे पेड़ में खेती करते हैं. हां चल तेरे पेड़ में जा, चल कभी खेती करते हैं. हाँ इसके, कैसा है? बढ़िया भाई, तो ठीक है? गुड. अभी दिल्ली कब आ रहा है? अच्छा हाँ, तेरा वो कोचिंग में मेरा लेक्चर रह गया ना. मैं किसी दोस्त को भेज दूंगा यार वहाँ पे. जो होगा ना कोई आसपास पोस्टेड. अरे नहीं नहीं, उसके लिए नहीं होता होता ऐसे. पूछ रहा था तू कब आ रहा है. और फिर और बता. जब तू ये राजेंद्र नगर से गया था, अभी दिल्ली में भी तेरा प्रॉब्लम हमेशा गुरी से रहा है ना? छोड़ना यार वो सब, अभी फिर से शुरू मत कर. सुनना सुनना भाई, तू कभी मुझसे मिलकर क्यों नहीं गया? और वो गुरी भी जब शादी बिल्कुल सर पे है तब आके मुझे बता रहा है. तो
तुम दोनों का लाइफ में मेरा कोई वैल्यू नहीं है ना भाई। क्या कॉलेज में क्या बोलते थे हमको? यू आर लाइक अ ट्राइपॉड। इसके देख, जब ट्राइपॉड के दो लेग्स में प्रॉब्लम हो ना, तो थर्ड लेग के साथ बैलेंस अपने आप बिगड़ जाता है। ए भाई, तो एक लेग कोशिश कर रहा है ना यार, एफर्ट कर रहा है ना, थोड़ा सपोर्ट कर दे भाई। नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी दोनों सेम लेवल पे आ ही नहीं सकते। बहुत पीछे छूट गया ना भाई, बहुत पीछे छूट गया। चार साल से पढ़ा रहा हूं, पर पढ़ाया हुआ स्टूडेंट भी बहुत आगे निकल गए। सारा दोस्तों ने तो एक बार पलट के नहीं पूछा है। ठीक है इसके देख, तुझे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आई कैन। यही प्रॉब्लम है भाई तेरा, यही प्रॉब्लम है। मैं शादी में नहीं आऊंगा इसके। मैं नहीं बोल रहा हूं यार शादी में आ या ना, पर अभी ट्राइपॉड का तीनों लेग को एक दूसरे का जरूरत है ना, हैं? तभी तो पिक्चर परफेक्ट बनेगा भाई। मुझे किसी की जरूरत नहीं है इसके। चलिए सर, एएलसी साहब से मीटिंग है। अरे उन्हें सुबह के लिए रिक्वेस्ट करो ना, अभी तो देर हो गई है बहुत। ओके सर। संदीप भैया, कितने संदीप आए और कितने गए, हमारी उम्रें निकल गई यहाँ पर ये सब करते करते। तो एक बात बता, परछत्ती पे खड़े होके किताब में देखने से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा? तू बता, हो जाएगा? अरे फिर बाद में जब रिजल्ट आता है ना, इन सब की पोले खुल जाती। अरे इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े हार मान के चले गए और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बात बताऊं अभिलाष, तेरे में ना मुझे यूपीएससी वाला बंदा दिखता है। तू गिव अप मत करियो कभी, ठीक है? अबे ये क्या है? खाली खाली हाथों बांधे ठोकर खाकर बैरागी, ढूंढ पाया ना खुदा, रह पाया ना जुदा, ना कुछ भी तूने पाया। तेरा ये कैसा खुदा, क्यों काटी तूने ख्वाबों की मेरे पतंग खुदा, तेरा ये कैसा सा मोह भंग खुदा, अभी था राजी है बातें ये ख्वाब जगा के, सताए रुलाए हमेशा, जैसे कोई बाती हो पूछ गई साथी।
हर राय हमेशा यूं ही सब बिखरा जाए। भारी भारी अखियां बूंदे हारी सी ढूंढे दरिया जी मिल जाएगा अगर मुँह छुपा लूँ मैं उधर तोड़ सबसे ही मैं नाता ओ तेरा ये कैसा नूठा ढंग खुदा क्यों काटी तूने ख्वाबों की मेरे पतंग खुदा तेरा ये कैसा सापो भंग खुदा अभी था राजी देखा कितना आसान था अनअकैडमी से पढ़ना समझ में आया तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया वेरी गुड अब रेखा आंगनवाड़ी भी जा सकती है और पढ़ाई भी चलती रहेगी देखो मैं तो अब ज़्यादा वक्त दे नहीं पाऊँगा काम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है पर तुम लोगों की यूपीएससी की तैयारी नहीं रुकेगी उसका भी इंतज़ाम कर दिया तुम सबका अलग अलग सब्सक्रिप्शन ले लिया है अनअकैडमी का तो परेशान होने की कोई बात नहीं है यहाँ पे तो मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल है डेली प्लानर है लाइव क्विजेस हैं फ्री नोट्स हैं सब है तो चिंता की अब कोई बात नहीं है ओके सर वही अच्छे से आप 20 मिनट में ऑफिस पहुँचने वाले हैं दो मिनट में चलते हैं ठीक है चेंज कर लूँगी ठीक है चलो लेकिन सर मेरा तो हिंदी मीडियम है यहाँ पर हिंदी भी है इंग्लिश भी है ठीक है तो अब कोई मजबूरी ना तुम्हें पढ़ने से रोक सकती है ना आईएएस बनने से बहुत ही बढ़िया जगह है अकेडमी तो फिर अब एवरी संडे मिलेंगे और तुम लोग सब नाश्ता करके जाना अभी हाँ कौन सी मीटिंग सर आप एएससी साहब हैं और ये उनके सबॉर्डिनेट्स गुड इवनिंग सर सूर्यपाल ये मेरे और राजेंद्र नगर के सीनियर हैं संदीप भैया आइए ना बैठिए वैसे मैंने मेल पढ़ा था पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर संदीप ओलान आप हैं हम तो बस संदीप भैया ही जानते हैं स्वीट ऑफ यू लेकिन मुझे पता था कि यहाँ आप हैं अरे आप छोड़िए बताइए भाभी कैसी हैं कुसुम हाँ उनके अलावा भी कोई है नहीं नहीं कुसुम और मैं अब साथ नहीं डाइवोर्स नहीं शादी नहीं हुई मतलब आप गए नहीं फेल होके जाता तो 4 सालों का हिसाब कौन देता इसलिए गया ही नहीं पर वो आपसे हिसाब क्यों मांगती भैया तो आप ही के लिए वेट कर रही थी वेट तो कर रही थी पर जब यूपीएससी नहीं निकला तो मुझे लगा पीसीएस का अटेम्प्ट करना चाहिए और जब तक पीसीएस निकला बात चली गई कुछ सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं संदीप भैया पर अब देखिए ना आज आप इतने रिस्पेक्टेड सिविल सर्वेंट हैं निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं लीजिए चाय लीजिए जी
राइट सर, निस्वार्थ सेवा तो कर रहे हैं। दरअसल मुझे लगा था जब यूपीएससी नहीं निकला तो पीसीएस मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी था, पर मैं गलत था। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो था। आई टुक कुसुम फॉर ग्रांटेड, उसे ग्रांटेड ले लिया। भैया मुझे तो लगता है कि आपने तब जो किया वो आज वर्थ इट है। मैंने हमेशा आपको आइडलाइज किया है और मुझे नहीं लगता आप गलत हैं। आप मेरे थ्रू अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत कीजिए। आई नो व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड दैट। पुराना माने तो एक बात शेयर करूं। हाँ भैया, शो। आपको पता है मुझे क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूं जो रॉकेट की फोर्स से स्पेस में अपना ऑर्बिट तो पा लिया लेकिन रॉकेट की अहमियत को भूल गया, उसे कहीं पीछे छोड़ा है। बस अपनी ऑर्बिट में गोल गोल अकेला घूमता रहता हूं। दुनिया के काम तो आ रहा हूं पर एक दूरी में फंस गया हूं। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार रिश्ते दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस है। हम बहुत बाद में रियलाइज करते हैं कि हम देश के काम तो आ रहे हैं पर आप पर गर्व करने वाला कोई नहीं। लोग तारीफ करते हैं, तालियां पीटते हैं, गालियां देते हैं, पर अंदर से एकदम खाली, जीरो। कोई साथ में हंसने रोने वाला कोई नहीं होता। सुम वाज माय रॉकेट, लॉस्ट हर टू अचीव माय हाइट्स। मुझे उसका हाथ पकड़े रहना चाहिए था, सच में छोड़ दिया। मैं नहीं छोड़ा। आपको पता है माँ बाप प्यार दोस्त इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ। आपको पता है, पता होगा आपको, ह्यूमन बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए कान में फ्लूइड होता ना, वो फ्लूइड थी मेरा कुसुम। मेरी लाइफ से फ्लूइड खत्म हो गया। मुझे खुशी है कि हम देश के काम आ पा रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर लाइफ का फुलफिलमेंट तो बैलेंस में है। पीस से कर रहे थे तो बहुत कंफ्यूज थे हम कि प्लान भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर प्लान भी का असली मकसद तो बैलेंस बढ़ाना है ना। सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, दूसरों के फियर्स, दूसरों की अनसर्टेनिटीज, दूसरों के ईगोज हमने कभी मायने ही नहीं रखे। बस एक दिशा में चलते चले गए, वही हमारी दुनिया थी। अब मेरा गुरूर देखो, मैंने कुसुम को आज तक सॉरी नहीं बोलिया।
मुझे एक मौका मिलता, कोई बताने वाला होता मुझे, कोई गाइड करने वाला होता, I lost my chance. I can't amend my mistakes. आसान होता है चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना दिया है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वो सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। सर आपने बुलाया था? हाँ सूर्यपाल जी, आप अपने घर पे बोल दीजिए, आप 2 दिन तक घर नहीं आ पाएंगे। 2 दिन? ठीक है सर।
दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने। अभिलाष, अभिलाष, ओके, ऑल ऑफ यू हरी अप, गो फिनिश योर वर्क। थैंक यू सर। अभिलाष, यू स्टे। कोई प्रॉब्लम है यहां? नो सर। फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? नो सर, आई एम हैप्पी। नहीं यार, इट्स बीन 7 months सिंस यू जॉइंड, पर हमेशा सैड रहते हो। कहीं ऐसा तो फील नहीं करते कि कंपनी तुम्हारे काम को रिकॉग्नाइज नहीं करती? इनफैक्ट यू आर अ ब्रिलियंट एम्प्लॉई। थैंक यू सर। तुम्हें प्रमोशन चाहिए? व्हाटएवर यू से सर। फिर देखो यार, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। दूसरे सर, तो शायद काम की वजह से बर्न आउट हो गए हो। नाउ आई अंडरस्टैंड। जाओ, थोड़ा चिल करके आओ, दुबई जाओ। सर इतना कुछ मतलब, थैंक यू सर, बट इसकी जरूरत नहीं है। मैं दुबई जाके क्या ही, चलो। यूपीएससी ने दिए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को बड़ा तोहफा, बढ़ाए 2 अतिरिक्त मौके, 4 से बढ़ाकर किए गए 6 अटेम्प्ट्स, सरकार ने दी मंजूरी। जी हाँ, हमारे संवाददाता ने ओल्ड राजेंद्र नगर में कुछ लोगों से बातचीत करी तो उनका उत्साह देखने लायक था। बताया जाता है कि काफी सालों से इस विषय पर चर्चा की जा रही है। जो छुपते थे रहते थे दुबके से गाने लगे, पलकों की खिड़की पे अरमा वो छुपके से आने लगे, पारों को हवा दी कांधों को शाबाशी दे कर चल।
भुला ऐसे लगे फिर से गले जैसे कभी थे ना गिले फिर से दिए मुस्कुरा मौका जिंदगी इम्तिहानों से ना हम डरे रूम की चाबी मिलेगी अंकल? तुम तो जॉब कर रहे थे ना? हाँ अंकल, जॉब छोड़ दी। तो फिर अब क्या करोगे? यूपीएससी। तो एस्पायरेंट्स की ये जर्नी तो फिलहाल यहीं तक की थी, लेकिन एक और जर्नी है जो अभी भी बाकी है। You also might be aspiring for your dream goal, but अभी हम सभी के पास एक सबसे इम्पोर्टेंट गोल है। The biggest exam that all of us are facing right now is the one that this pandemic has brought upon. We have to aspire to make this world free of all the pains that this pandemic has caused. इसलिए तैयारी भी हमें ही शुरू करनी है। So today we all are aspirants and we can come together to beat COVID. So mask up. Get vaccinated and please don't leave your home unless it's absolutely necessary. हाँ माना ये बात सुनी लग रही होगी, पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा रिवीजन से ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो TVF और Unacademy की इसी अपील के साथ हम कहते हैं see you later. Stay safe, take care and keep the aspirants in your life always.